सपने में सांड का पीछे पड़ना या सपने में सांड को खुद के पीछे भागते हुए देखना एक बहुत ही कीमती सपना माना जाता है, जो कि जीवन में घटित होने वाली बहुत सी बातों की ओर संकेत करता है, जिसको सपने की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से सही से समझा जा सकता है। जैसे अगर कोई सपने में किसी ऐसे सांड को अपना पीछा करते हुए देखता है जो गुस्से में ना हो, तो यह सपना बहुत अच्छा माना जाता है और जल्द ही किसी तरह के होने वाले बड़े लाभ की ओर संकेत करता है। और अगर कोई सपने में किसी सफेद सांड को पीछा करते हुए देखता है, तो यह सपना भी अच्छे भाग्य का ही प्रतीक माना जाता है और जल्द ही किसी योजना या मनोकामना के पूरा होने की ओर संकेत करता है। लेकिन अगर कोई सपने में किसी काले सांड को अपना पीछा करते हुए देखता है, तो यह सपना आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहने की ओर इशारा करता है, क्योंकि शायद वे आपको कोई नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। और अगर कोई सपने में किसी सांड को गुस्से में टक्कर आदि मारने के लिए दौड़ते हुए देखता है या आपका पीछा करते हुए देखता है, तो यह सपना आपको अपने अड़ियल रवैये को थोड़ा सा कम करने की ओर संकेत करता है और साथ ही अपने गुस्से को भी कंट्रोल करने की ओर संकेत करता है। तभी आप खुद को बहुत सी मुसीबतों में बेमतलब ही पड़ने से बचा सकते हैं। और अगर कोई सपने में खुद को किसी सांड आदि से डरकर भागते हुए या छिपते हुए देखता है, तो यह सपना भी इसी बात की ओर संकेत करता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है, उनके पीछे आपके मन में गहरे बैठे वे डर हैं, जिनको शायद आप अभी चाह कर भी खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इन डरों को खुद से दूर कर देंगे, तो तभी आप खुद को जीवन में काफी पॉजिटिव और खुश भी महसूस करेंगे। और अगर कोई सपने में किसी पीछा करते हुए सांड को डराकर या मार पीट कर वापस भगा देता है या लड़ाई में सांड को हरा देता है, तो यह सपना काफी अच्छा माना जाता है और किसी काम में मिलने वाली बड़ी सफलता की ओर ही संकेत करता है।